और बड़ी खबर इस वक्त, यूपी कोका कानून विधानसभा में पास हो गया है। अहम जानकारी, कल ही सदन में रखा गया था जिस पर चर्चा हुई और यूपी कोका कानून विधानसभा में पास हो गया है। जो संगठित अपराध है उसके लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि मील का पत्थर यह कानून साबित होगा। लगातार विरोध हो रहा था। अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आज भी हंगामा हुआ, हमने देखा जबरदस्त विरोध हुआ और अब पास हो गया है ये कानून। अभिषेक, आपको आवाज मिल रही? जी हाँ, बिल्कुल, विधानसभा में यूपी का पास हुआ है। हालांकि जब बिल पर सहमति की जाए, विरोधी दोनों दल हैं, कांग्रेस की बात की जाए, समाजवादी पार्टी की बात की जाए या बसपा की बात की जाए, उन्होंने बहिर्गमन कर लिया सदन से। और उनका कहना है कि सदन में बातचीत नहीं करने दी जा रही है, चर्चा नहीं करने दी जा रही है। आजम खान बात करने की कोशिश करे तो उन्हें बात करने नहीं जा रही है। तो निश्चित तौर पर विधानसभा में यूपी कोका पास हुआ। मुख्यमंत्री सुबह आकर यूपी कोका के जो प्रावधानिक कानून थे उसके बारे में सदन को जानकारी दी, बाकायदा पूरा कानून पढ़ा। उसके बाद काफी देर तक चर्चा होती रही, कुछ बातें और भी निकल कर आई लगातार, जो संसदीय मंत्री जवाब भी देते रहे। और उस पर आखिरकार सदन में आज यूपी कोका पर। और अभिषेक, सबसे बड़ी बात यह कि जे तमाम प्रावधान भी मुख्यमंत्री ने गिराए, फिर किस बात को लेकर, किन चीजों को लेकर सबसे ज्यादा आपत्ति है विपक्ष को? या निश्चित तौर पर यूपी को का बताया जा रहा है कि अन्य राज्यों में भी पूरी तरह से कार्यकर साबित हुआ है। और यहाँ पर विरोधी दलों का कहना है कि कहीं ना कहीं ये कानून राजनीतिक द्वेष के चलते बनाया जा रहा है, जिसमें सरकार विरोधी नेताओं, लोगों को जो सरकार का विरोध करेंगे उनके खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि सदन में बड़ा आश्वस्त करने की बात कही है कि कानून का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, किसी नेता या किसी मंत्री पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन लगातार विरोधी दल इस बात को लेकर मुद्दा बना रहे हैं और अभी भी सदन का बहिर्गमन किया गया है दोनों विरोध। सदन में ध्वनिमत के साथ का पास भी हुआ है, विधानसभा रखा जाएगा और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो भी तैयारी होगी। तो अभी उसके स्वर है वो सुनने को मिल रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री भी एक सवा नजर आया सदन में कि जिस दिन उन्होंने पहली बार चर्चा की थी तब से लेकर अभी तक उन्हें विरोधी दलों की तरफ से नकारात्मक चीजें देखने को मिली हैं। और बिल के पास होने के बाद जरूरी कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा कानून जो यूपी पुलिस को अपलिफ्ट करने में मदद करेगा, ताकतवर बनाने का काम करेगा और कानून व्यवस्था की सिचुएशन जो पोजिशन है उत्तर प्रदेश में। और अभिषेक, हमने देखा था रामगोपाल यादव अभी समाचार प्लस पर कह रहे थे, यूपी कोका को लेकर ही हमने सवाल पूछा था, वो ये कह रहे थे कि पास हो जाएगा तब देखेंगे क्या रणनीति बनती है। तो फिलहाल किस तरीके का रुख आने वाले दिनों में दिखेगा, क्योंकि कानून ये बनेगा राज्यपाल के पास भी जाएगा? बिल्कुल, कानून बनाने में पूरी प्रक्रिया है, विधानसभा के बाद जाना होगा। विधानसभा में ये भी मांग की गई है, आज कानून इतना कारगर साबित हो रहा है, धाराओं कितना अलग है और कानून विरोध में क्या आवाज काम करेगा। जी जी, अभिषेक आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच रही है, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। लेकिन क्या सदन से लेकर सड़क तक भी ये हंगामा दिखेगा या विरोध भारी दिखेगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल यूपी कोका विधेयक पास हो गया है और ये पूरी तरीके से कानून बनेगा जो राज्यपाल के पास पहुंचेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि संगठित अपराध के खिलाफ ये बड़ा हथियार सरकार बता रही है, जबकि विरोधी इसका इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि इसका राजनीतिक गलत इस्तेमाल बहुत होगा।